जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे दिल्ली। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव और यूपी बीजेपी प्रभारी के नाम पर की जाएगी चर्चा। संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी गृह मंत्री के साथ हो सकती है चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद का भी करेंगे दौरा। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज का सिल्वर जुबली है कार्यक्रम, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचेंगे। कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी दीक्षांत समारोह में छात्रों को बांटेंगे डिग्री। बता दें कि कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे गाजियाबाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही मुख्यमंत्री दीक्षांत समारोह में छात्रों को बांटेंगे डिग्री। मुरादनगर में है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज। बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, जहां पर कॉलेज में सिल्वर जुबली का कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने पहुंचेंगे। साथ ही बता दें कि दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री भी बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि शाम 3 बजे के करीब दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं जानकारी के अनुसार संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चाएं की जा सकती है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर भी रहेंगे। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉलेज पहुंचेंगे। साथ ही दीक्षांत समारोह में छात्रों को अपने हाथों से डिग्री भी बांटेंगे मुख्यमंत्री। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही आगामी चुनाव को लेकर विशेष चर्चाएं भी कर सकते हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी है, वो आज 3 बजे करीब दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और जो होने वाले आगामी चुनाव जो यूपी के अंदर उसको लेकर एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। वहीं बीजेपी एक जनजाति अनुसूचित जाति का एक सम्मेलन करने जा रही है, उसको लेकर बैठक में इनकी चर्चा होगी और जो अवध के जो कई 14 सीटें हैं उनसे इस तरह विस्तार पर चर्चा करने की बात करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री जो अमित शाह है वो बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उनका मार्गदर्शन एक मार्गदर्शन मिलना कहीं ना कहीं बीजेपी की चुनाव रणनीति बनेगी इसी के लिए कहीं ना कहीं काफी उपयोगी साबित हो सकती है। और जिस तरह से अभी श्री योगी सीएम लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं और आज चुनाव को लेकर जब दिल्ली में दौरा कर रहे हैं तो कई मंत्रिमंडल विस्तारों को लेकर चर्चा होगी, प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि जो विस्तार मंत्रिमंडल का जो विस्तार करना है उसका पूरा विशेष अधिकार सीएम योगी को है, वही किसी को मंत्री लगा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, लेकिन वो अपने जो सीनियर अधिकारी है सीनियर नेता है उनका उनके साथ मुलाकात करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आज दिल्ली आ रहे हैं। जी, साथ ही जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और साथ ही तमाम तरह के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के तमाम चर्चाएं भी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री दिल्ली के बाद गाजियाबाद भी पहुंचेंगे, तो लगभग कितने बजे तक जो मुख्यमंत्री है वो पहुंच सकते हैं गाजियाबाद और तमाम जो कार्यक्रम है उनमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का वो KIT इंजीनियरिंग कॉलेज है जो मुरादनगर में स्थित है, वहां पर दीक्षांत समारोह है और कॉलेज का सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी है। तो जो सूचना है अभी तक की उसके अनुसार लगभग 12 बजे दोपहर को मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचेंगे और कार्यक्रम जो कॉलेज का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे। छात्रों को डिग्री भी बांटने की सूचना की, जो छात्र हैं उनको डिग्री दी जाएगी। तो कार्यक्रम के बाद, हालांकि गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन की बात करें तो बीते दिनों ही
कीर्ति नामक एक जो युवती थी, जो छात्रा थी, उसका मोबाइल झपटने के दौरान बदमाशों ने ऑटो से घसीटा था, जिसको लेकर उसकी मौत भी हो चुकी है। हालांकि जो गाजियाबाद पुलिस उस बदमाश का भी एनकाउंटर कर चुकी है जो इसका आरोपी था, लेकिन कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस के कह सकते हैं कि हाथ पैर अभी खुले हुए हैं। तमाम जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि किस तरह से जो पुलिसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने इस समय बड़ी चुनौती है, और गाजियाबाद पुलिस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं किए हुए हैं। वहीं गाजियाबाद पुलिस की कोशिश होगी कि जो कीर्ति सिंह हत्याकांड का जो मामला है मुख्यमंत्री उसमें कोई बड़ा कदम ना उठा ले। तो कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद के लिए जो पुलिस प्रशासन उसकी परीक्षा भी कहा जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं जो KIT जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रबंधन है, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर चौक चौबंद की गई है। जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए प्रवेश कार्ड दिए गए हैं, उनके लिए ऑनलाइन एक तरह से कहा जा सकता है कि जो गेस्ट जो बाहर से लोग बुलाए गए हैं उनके लिए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बुकिंग की गई है, और उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन लोगों के पास या तो प्रवेश पत्र हो गया, जिनका नाम उनकी लिस्ट में होगा। उसके अलावा अन्य लोगों को वहां पर अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज का जो कॉलेज का जो उद्घाटन जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं कॉलेज प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक जाना माना नाम है गाजियाबाद में इस कॉलेज का, और तमाम जो छात्र छात्रा यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं, और मुख्यमंत्री अब हालांकि जो कॉलेज प्रबंधन की तरफ से जो सूचना दी गई है वो दोपहर 12 बजे के कार्यक्रम की पहुंचने की सूचना है, और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे, और रात्रि का जो प्रवास है अभी तक की सूचनाओं के अनुसार वो दिल्ली में ही करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो अलग व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से चाक चौबंद है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल जयवीर, जिस तरह से आपने बताया कि जैसा कि अभी पिछले बीच हत्याकांड हुआ था जिसमें एक छात्रा की मौत हो गई थी, उसमें पुलिस से एनकाउंटर भी किया, तो जाहिर तौर पर पुलिस की एक बड़ी परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कुछ कड़ा एक्शन भी लेते हुए दिख सकते हैं। वही तमाम तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो प्रवेश पत्र बनाए गए हैं, उसको देख कर ही एंट्री मिलेगी जितने भी लोग हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो प्रशासन जरूर कड़ी ही रखेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज दोपहर करीब 12 बजे के आसपास पहले मुख्यमंत्री गाजियाबाद पहुंचेंगे, जहां पर उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्री देंगे। साथ ही उस इंजीनियरिंग कॉलेज का सिल्वर जुबली कार्यक्रम भी है जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद दोपहर 3 बजे के करीब दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव पर तमाम तरह की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे मुख्यमंत्री, और साथ ही यूपी में बीजेपी प्रभारी कौन बनेगा इसके नाम पर भी चर्चा कर सकते हैं। तमाम तरह के कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आ रहे हैं, जहां पर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री आज अपना रात्रि प्रवास दिल्ली में ही करेंगे।